हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय ट्यूब चैनल टेक्निकल अंशुल। तो दोस्तों, आप लोग जानती होंगे इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह के वीडियो बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अगर आप इस तरह का ट्रेंडिंग वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह का ट्रेंडिंग वीडियो कैसे बना सकते हो। ट्रेंडिंग रील बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है ब्रिंग इमेज AI। ब्रिंग इमेज AI सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगी इमेज क्रिएटेड विथ ब्रिंग, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। मेरा पहले से ही लॉगिन है। लॉगिन करने के बाद आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आपको उनको कॉपी कर लेना है। उसमें आपको गर्ल्स वाला अलग दिखेगा, बॉयज़ वाला अलग। आपको जो बनाना है उसको आपको कॉपी कर लेना है और जहाँ पर मेरा नेम लिखा है उसको करके आपको अपना नेम लिख लेना है। अपना नेम लिखने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और कुछ देर वेट करना है। उसके बाद आपकी इमेज आ जाएगी। आपको इनमें से कोई इमेज नहीं पसंद है तो आपको दोबारा क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से कुछ देर वेट करना है। उसके बाद आपकी इमेज आ जाएंगी। इनमें से आपको जो इमेज पसंद है उसको आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको उसी इमेज पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको साइड में 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डाउनलोड ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। इमेज डाउनलोड करने के बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको VN एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। VN एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको VN एप्लीकेशन को ओपन करना है और आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और आपको उसी फोटो को ऐड कर लेना है जिसको आपने अभी डाउनलोड किया था। फोटो ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपको वीडियो के एंड में आना है एंड आपको VN के वाटरमार्क को डिलीट कर देना है एंड आपको अपनी वीडियो की लेंथ को बढ़ा लेना है। वीडियो की लेंथ को बढ़ाकर आपको 13 सेकंड कर लेना है। उसके बाद आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आना है। वीडियो के स्टार्टिंग में आने के बाद आपको ऊपर ओरिजिनल ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको 9:16 का रेशियो रख लेना है। देन आपको अपने 2 फिंगर से कुछ इस तरह से अपनी इमेज को छोटा कर लेना है। उसके बाद आपको आगे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड आपको वहाँ पर दिखेगा BG का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको साइड में दिख रहा होगा इमेज का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ऊपर डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको कैपकट और एक VPN की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको VPN को ओपन करना है और आपको VPN को कनेक्ट कर लेना है। VPN कनेक्ट हो जाने के बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट। सर्च करने के बाद आपको सेकंड नंबर वेबसाइट दिखेगी हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको दिखेगा यूज टेम्पलेट का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे साइड में दिख रहा होगा यूज टेम्पलेट का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको उसी वीडियो को ऐड कर लेना है जिसको आपने अभी एक्सपोर्ट किया था। ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और कुछ देर वेट करना है। उसके बाद आपकी वीडियो बनके रेडी है और आप इसमें म्यूज़िक इंस्टाग्राम से ऐड कर सकते हैं। और आपको वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी वीडियो सेव हो जाएगी।